ऋतु चल रहा बरसाती मौसम में कैसा हमारा खान पान, ये थाली दुनिया की सबसे अच्छी थाली आपको जीवन भर निरोगी रखेगी। बरसाती मौसम में आपको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, उसके लिए कैसी हो आपकी थाली। आयुर्वेद में वर्षा ऋतु को यमराज का साक्षात जबड़ा बताया गया है, क्योंकि इस मौसम में बड़े सारे वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, खारिश, खुजली, दाद, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, आँखें आ जाती हैं लोगों की, और बड़ी सारी बीमारियों की जीवन में शुरुआत वर्षा ऋतु में ही होती है। तो वर्षा ऋतु में आप बीमार ना हो, निरोगी रहें, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या खाना है, आयुर्वेद के हिसाब से क्या रिकमेंडेशन है। जो एलोपैथी में मैंने पढ़ा है MBBS MD में, कैसे कितने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन हमें मिलने चाहिए और क्या आयुर्वेद की रिकमेंडेशन है, मैं वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा दुनिया की कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ अगर आप मुझे बताते हैं तो आप जरूर कमेंट करें कि इस वर्षा ऋतु में इससे अच्छा दुनिया में और क्या खाना हो सकता है, आप भी मुझे बताएं, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। और आप भी देखें कि वर्षा ऋतु का सबसे अच्छा खाना क्या है। देखिए, तीन तरह के रस हमें वर्षा ऋतु में लेना चाहिए, एक तो मीठा, नमकीन और खट्टा रस। उसमें एक एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है। खाना खाने के बाद में हमें पान का पत्ता भी लेना चाहिए, चबा लें पान का पत्ता। खाने के साथ साथ हम अदरक, नमक और सेंधा नमक मिला के ले सकते हैं। खाने में राई का भी उपयोग करें, पीली सरसों और काली सरसों का भी उपयोग करें, राई का उपयोग कर लें। दही, जैसे हम 5-6 चम्मच दही ले सकते हैं बस, अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो हमें जिम में जाना पड़ेगा, या तो या 4-5 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी, या फिर हमें कसी चलानी पड़ेगी, तभी हमें पचेगी 4-5 चम्मच दही। उसमें थोड़े अजवाइन, काली मिर्च और त्रिकटू मिला के, जैसे पिपली, काली मिर्च, सौंठ मिला के ले सकते हैं। नींबू का उपयोग कर लें, गोले का उपयोग कर लें, अजवाइन का उपयोग कर लें। बाकी ये तेज पत्ते का उपयोग भी जरूर वर्षा ऋतु में करें। चावल जैसे बनाए हैं, चावलों में तेज़पत्ता डाल सकते हैं। ये सांभर है, देखिए सांभर, इसमें सहजन है, ये सहजन मिला के सांभर बनाया है, बड़ी सारी वेजिटेबल मिला के। ये परवल की सब्ज़ी है, ये मिस्से की रोटी है, थोड़ा ये घेवर है, थोड़ी सी फिरनी है। ऐसा भोजन कैसे बनता है, एक तो मिस्से आटे का उपयोग करें, गेहूं को जब पिसवाएं तो साथ में मक्का, ज्वार, बाजरा, जो ये मिला लें, काले चने मिला लें साथ में। और फिर दालों में सबसे अच्छी दाल वर्षा ऋतु में मूँग की दाल है, साबुत मूँग या मूँग की दाल। बेसन भी मूंग का ही उपयोग करेंगे जब तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा उड़द राजमा से वायु वर्धक होती है, उसे वायु बढ़ जाती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है वर्षा ऋतु में। बाकी सब्जियों में लौकी का उपयोग कर लें, परवल का उपयोग कर लें, पेठे का उपयोग कर लें, टमाटर थोड़े बहुत ले लें, भुट्टे का उपयोग जरूर करें। उसके अलावा सहजन दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी है, जो वर्षा ऋतु में आपकी हेल्प करेगी, निरोगी रखेगी। ये तोरी का उपयोग कर लें, टिंडा है, बैंगन है, भिंडी है, कमल ककड़ी बड़ी फायदेमंद रहती है। फलों में मौसम के फल आम अभी भी आ रहे हैं, जामुन आ रही हैं, और ये सेब है, केला है, बब्बू गोसे हैं, नाशपाती, और इसका खीरे का उपयोग कर सकते हैं इस उपयोग। और खाने के बाद में हरड़, सिंधा नमक मिला के हरड़ जरूर ले लें, या तो खाने से पहले भी ले सकते हैं सुबह, या रात में खाने के 1-1.5 घंटे बाद भी हरड़ ले सकते हैं। सिंधा नमक मिला के हरड़ लेंगे तो ये भी आपको निरोगी रखेगी। और मच्छरों से बचने के लिए नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला के अगर शरीर पे लगा लेंगे तो मच्छर आपको काटेंगे नहीं, और खाना भी संतुलित रखेंगे तब भी मच्छर नहीं काटेंगे। अगर कोई स्प्रे यूज़ करनी पड़े तो हर्बल स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, और हवन अगर खेना पड़े तो गाय के गोबर के उपला बना के उसमें गूगल और लोबान इसका पाउडर डाल के धुनी खे देंगे तो मच्छर आपको आसानी से काटेंगे नहीं। फिर क्या ना खाएं बरसाती ऋतु में, वर्षा ऋतु में क्या ना खाएं, एक तो हरी पत्तेदार सब्जियां ना लें, क्योंकि वो दूषित होती हैं, दूषित पानी से दूषित होती हैं, उनमें जर्म्स पैदा होते हैं। उसके अलावा तली हुई चीज़ ना खाएं, ज़्यादा मिर्च मसाले ना खाएं, ये भी ध्यान रखें वर्षा ऋतु में। उसके अलावा फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स ना खाएं, जैसे कि दही बड़ा है, या इडली है, जलेबी है, डोसा है, जिनमें फर्मेंटिंग की प्रोसेस होती है, वो भी नुकसान दे सकती हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बेकरी के प्रोडक्ट्स, बासी चीज़ें ना लें, बीड़ी, शराब, सिगरेट से दूरी बना के रखें, क्योंकि पापा ने हमें शुरू से ही, बचपन से ही सिंपल खान पान के लिए प्रेरित किया। पापा 90 वर्ष के हैं, पूरी तरह से हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हमेशा हेल्दी रहें। इसके लिए एलोपैथी, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के होलिस्टिक अप्रोच अगर आप लाइफ में रखेंगे तो आप भी निरोगी रहेंगे। मेरा ये देखिए दुनिया का सबसे अच्छा कैलेंडर है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा इससे अच्छा हेल्थ कैलेंडर, फिटनेस के लिए दुनिया का सबसे अच्छा कैलेंडर है। भाई वर्षा ऋतु में क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या ना करें, दिन में ना सोएं। अगर दिन में सोएंगे वर्षा ऋतु में तो हमें बीमारी होगी, हमारा भोजन पच नहीं पाएगा। और दूसरा, ओवर एग्जर्शन ना करें, सुबह योग करें, सुबह उठ के 1 घंटा योग करें, 1 घंटा सैर करके आएं, लेकिन ओवर एग्जर्शन वर्षा ऋतु में ना करें, अपनी शरीर की शक्ति के अनुसार ही एक्सरसाइज करें तो अच्छा रहेगा। बाकी ऐसे ऐसे खान पान के सेशन मेरे डेली लाइव होते हैं लगभग, आप हर बीमारी के बारे में, हम डायबिटीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं अपने खान पान से, ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक कर सकते हैं, मोटापे को कैसे ठीक कर सकते हैं, फैटी लीवर, PCOD को, सारी वीडियोस मेरी जगदम्बा बीबी के चैनल पे है। इसको देखें भी, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और हमेशा बेल का बटन दबा के रखें कि जब भी लाइव हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।